रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या असुरक्षित वसाहतीसंदर्भात झी मीडियानं आवाज उचलल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला आता जाग आली आहे. अशा धोकादायक इमारतींच्या पाहणीच्या आणि दुरुस्तीचे आश्वासन रेल्वे प्रशासनानं दिले. अस्वच्छतेचा प्रश्न मार्गी लावता येईल असं रेल्वे प्रशासनानं सांगितलंय. जे कंत्राटदार इमारतींची व्यवस्थित देखभाल करणार नाही त्यांच्यावर कठोर कारवाईचं आश्वासन सुद्धा देण्यात आलंय. या संदर्भात रेल्वेचे डिव्हिजनल मॅनेजर शैलेंद्र कुमार यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी देवेंद्र कोल्हटकर यांनी. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची दुरावस्था दाखवणारी मालिका झी 24 तासने दाखवली होती आणि या सगळ्या विषयासंदर्भात बोलण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत वेस्टर्न रेल्वेचे DRM शैलेंद्र कुमार. सर सर क्या कहेंगे, जिस तरह से हमने देखा है कि कई सारी इमारतें जो है जर्जर हुई है, अनक्लीननेस है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा अगर कोई भी बिल्डिंग अनसेफ हो तो उसको पहले ही हम लोग आइडेंटिफाई करके और उसको खाली करने का प्रावधान होता है. आपने भी पॉइंट आउट किया है, हम लोग ने खुद भी इस तरह की बिल्डिंगें आइडेंटिफाई की हैं, तो वहाँ जो नेसेसरी रिपेयर का काम है उसको हम लोग और करवाएंगे. हाँ, चूँकि कुछ ऐसी घटनाएं अभी पास्ट में हुई हैं, इसलिए इस विषय में हम यह अभियान तेज करके और कहीं भी ऐसी कोई पोटेंशियल कहीं खतरे की बात हो सकती है तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको खाली कराने का काम या उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करने का काम करेंगे. दूसरी चीज़ जो आपने साफ़ सफाई की कहीं पर कुछ कॉलोनियों में हमारे पास भी शिकायत आई हैं पहले से भी, और जैसे बांद्रा में आई थी और भी जगह पे हैं, उसको साफ़ सफाई करने का, पहले से बेहतर बनाने का हम कार्यक्रम अभी से शुरू करेंगे. कई सारे कर्मचारी हैं, उनकी एक कंप्लेंट ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो सिर्फ लिखापोती करते हैं, ठीक तरह से काम नहीं करते, इस वजह से सारी दिक्कत है. नहीं, ऐसी अगर कंप्लेंट हमारे पास आती है तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट बहुत सीवियर कार्यवाही की जाएगी, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, उनके अगेंस्ट फाइनेंशियली उनके ऊपर पेनल्टी दंड इम्पोज किया जा सकता है, उसमें कोई कमी होने की कोई संभावना ही नहीं है. शुक्रिया सर पूरी ये बातचीत करने के लिए. वीडियो जर्नलिस्ट वैभव यादव सर, देवेंद्र कोल्हटकर, जी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, एक पाऊल पुढे.